वह तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले के पीछे साफ तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह हमला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने करवाया है। आईएसआई के साथ मिलकर शाहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ इस साजिश को रचा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आ रहा है कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने 3 खूंखार आतंकियों को इस हमले के लिए फुल ट्रेनिंग के साथ जम्मू में भेजा था। सूत्रों के मुताबिक शाहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान में चुनाव रुकवाने के लिए पुंछ में आतंकी हमला करवाया है। उनकी सरकार ने फौज और आईएसआई के साथ मिलकर यह बड़ी साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिन्ना का मुल्क अभी और प्रायोजित हमले की कोशिश कर सकता है ताकि कश्मीर में G20 सम्मेलन सफल ना हो सके। 2 दिन पहले पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में कहा था कि भारत की तरफ से मई महीने में पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण रहेंगे और अक्टूबर में सही हो जाएंगे। श्रीनगर में हो रही G20 देशों की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअसल बैठक 22 से 24 मई को होनी है। इसी दौरान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ 27 से 29 अप्रैल के दौरान भारत में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो मई में गोवा में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। पाकिस्तान SCO की बैठक में शामिल होने का फैसला इसी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल दुनिया को कश्मीर को अस्थिर दिखाने के लिए करना चाहता है और इससे पहले आतंकी हमला कराने की योजना पाकिस्तान के इसी डिजाइन का हिस्सा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।